हमेशा मोटिवेट रहो दोस्तों, डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा आप एक्टिव रहो जो आप काम करने वाले हो, वरना वो भी नहीं कर पाओगे अगर डीमोटिवेट हो जाओगे तो। बस अब इसी एक्टिव के साथ आप यूट्यूब अपडेट सुनो, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ना तो पिछली वाली वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो जो नए यूट्यूब अपडेट आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मतलब मस्त है, मतलब जो भी बंदा नया है ना अभी यूट्यूब बनाया है उसको तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन अपडेट से। तो सबसे पहला अपडेट आपका कमेंट बॉक्स को लेकर है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्या है, अगर कोई बंदे ने मतलब किसी बंदे ने अदर लैंग्वेज में आपको कमेंट कर दिया और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो तो ईजिली आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। पहले क्या था, पहले अगर हम क्रिएटर्स को कोई भी बंदा कमेंट कर देता था अदर लैंग्वेज में तो हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा ऑप्शन इनेबल कर दिया कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आप इजीली कमेंट को ट्रांसलेट करके जान सकते हो कि भाई वो बंदा क्या कहना चाह रहा है या फिर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट अपडेट ये हो गया। सेकंड अपडेट दोस्तों ये कि आप जब लाइव स्ट्रीम करते हो तो कोई बंदा आपकी लाइव स्ट्रीम देख लेता है, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है और आपको कमेंट भी करके चला जाता है या फिर कुछ भी आपकी लाइव स्ट्रीम को देख लेता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, जब आप लाइव स्ट्रीम करोगे अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करोगे तो वहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम करते वक्त एक ऑप्शन है लाइव स्ट्रीम के अंदर, वहाँ पे क्या है कि आप ओनली सब्सक्राइबर्स के लिए इनेबल कर सकते हो अपनी लाइव स्ट्रीम, यानी कि चैट केवल आपसे वही कर पाएंगे जो आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं। जिस बंदे ने आपको सब्सक्राइब कर रखा है वही बंदा आपको चैट कर पाएगा, आपके कमेंट कर पाएगा, वरना बाकी बंदे आपको केवल देखेंगे, ठीक है। अब जिस बंदे को भी आपको कमेंट करनी होगी ना, जिस बंदे को भी आपसे बातें करनी होगी, वो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और ऐसे सब्सक्राइबर ड्रॉप भी नहीं होते, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप सब्सक्राइब वाला ऑप्शन इनेबल करते हो या फिर नहीं करते हो। वैसे मेरी मानो तो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके सब्सक्राइबर ग्रो हो जाएंगे। और दोस्तों जो तीसरा अपडेट है वो गिनीज स्किन को लेकर है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे जो गिनीज स्किन लगी हुई है, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये वीडियो एडिट करूँगा और अपने आप को इसमें से निकाल दूंगा, गिनीज स्किन में से ये पर्दा हटा दूंगा और मेरे पीछे चैप्टर चलेंगे, जैसे कि अभी मैंने वीडियो डाली थी, कल वीडियो डाली थी लो व्यूज वाली, तो उसमें क्या था, काफ़ी मेहनत लगी थी दोस्तों, 12 घंटे मेरे को उस वीडियो को एडिट करने में लगे थे। खैर उसको छोड़ो, लेकिन अब यहाँ पे ना आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इजीली कोई भी वीडियो शूट करो ग्रीन पर्दे पर, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यूट्यूब ने ऐसा ऑप्शन इनेबल कर दिया है, वैसे अभी नहीं किया है लेकिन वो कर देगा आने वाले टाइम में, कर देगा, काफ़ी टेस्ट चल रहे हैं इसके ऊपर। तो क्या होगा कि जब आप वहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो बनाओगे, अपनी वीडियो को डालोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो इजीली ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, ऑटोमेटिकली आपको एडिट करके दे देगा, तो आपको एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। वरना ग्रीन स्क्रीन एडिट करना दोस्तों बहुत महाभारत है, और चैप्टर लगाना बहुत ही ज़्यादा महाभारत है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कर रखा है, आप इजीली आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे चौथा अपडेट है वो ये है कि भाई यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हो ना, तो आपको वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आ रहा है, मान लीजिए गेमिंग कोई वीडियो है या फिर मेरी वीडियो है, आपको इस वीडियो कोई भी पार्ट पसंद आ रहा है, तो आप इजीली उस पार्ट को लेकर के वीडियो बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आप मेरी वीडियो के नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे ना एक कैमरे का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्रिएट या फिर कटआउट करके कुछ इस तरह का लिखा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने यूट्यूब वर्जन को अपडेट कर लीजिए, नया वर्जन इस्तेमाल करिए, यूट्यूब का लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिए, प्ले स्टोर पर जाके इजीली कर सकते हो। तो जब वो ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ पे आप मेरी वीडियो कोई भी पार्ट उठा सकते हो, वहाँ से वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पीछे चैप्टर में वीडियो चल रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थे आपके चार अपडेट जो यूट्यूब ने लॉन्च किए हैं और लॉन्च करने जा रहा है, कुछ अपडेट लॉन्च कर चुका और कुछ आने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स को लेकर था, और लाइव स्ट्रीम को लेकर था, और आपका ग्रीन स्क्रीन को लेकर था, और एक आपका कटआउट यानी कि क्रिएट था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताना, कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा मेरे को ये बताना। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।